जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसे कहते हैं ना औकात में रहो। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। हिंदुस्तान में विवाह गरीब माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और अमीर माँ बाप के लिए दिखावा है। हैसियत 50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिए और बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर, जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो शरीर की और मन की। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसेस के भोग के लिए है और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमा कर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्या लेने का? हाँ, 3-3 सिलो की जो की औरतें हैं, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए, मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये? हाँ, हमें नहीं लेना। जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की, हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें, काहे देखेंगे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के और शैंपू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं। कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो लड़की को कि मस्त, और चुपचाप निकल आओ। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान, ये कोई कीमत नहीं। हर आदमी को दुनिया में दिखाने होता है कि हम तो अरे सूर्यवंशी। हर आदमी को अपना पास्ट दिखाने में बहुत शर्म आती है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, माँ बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं। अगर आपने अपने माँ बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता हो, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती हो।